हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों की जबरदस्त न्यूज़ देने के। चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं। पहला है जीएसटी काउंसिल, बजट से पहले निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, किसी चीज़ पर भी जीएसटी नहीं बढ़ाया गया, तो इसके बारे में ठीक से जानते हैं क्या हुआ है। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब है एनएलसी में, इसके बारे में भी जानेंगे क्या कहाँ है, कैसे है और कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आखिर में दोस्तों, एक मोबाइल फिर से लेके आया हूँ 10,000 के नीचे वाला, आप लोगों के लिए, तो इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जीएसटी काउंसिल का जो 48वां ये हुआ है, बैठक हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए, और वो वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता हो तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 48वां बैठक खत्म हुआ है जीएसटी काउंसिल का, तो इसमें क्या क्या फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले कि किसी भी चीज़ पे टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि किसी भी चीज़ पे टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, और एक चीज़ पे घटाया गया है तो समझ नहीं आता वो किस लिए क्या था वो चीज़ पे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी किस पे घटाया गया है दोस्तों, तो वहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दाल के छिलके पर 5% जीएसटी लगता था, अब उसे घटा लिया गया है। तो ये दाल के छिलके से होता क्या है, ये पशुओं को खिलाने में काम आता है और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ जिस पर जीएसटी लाना चाहिए था, जैसे पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लाना चाहिए था, उस पर लाया नहीं गया है। 48वां बैठक सम्पन्न हुआ है जिसमें कि संभावना था, और गुटखा पान मसाला पर जो टैक्स चोरी हो रहा था, इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेन मेन मुद्दे को छुआ ही नहीं गया है, पर हाँ एक पॉजिटिव है कि टैक्स किसी भी चीज़ पर जीएसटी का बढ़ाया नहीं गया है। पर जहाँ तक बात है कि पेट्रोल और डीजल को टैक्स के दायरे में लाना था, जीएसटी टैक्स के दायरे में, पर वहाँ नहीं लाया गया, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है हमारे देश में, इसको अभी तक जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो उम्मीद है कि अगले बार जब भी जीएसटी का संशोधन हो 49वां, तो उसमें देखने को मिले कि पेट्रोल और डीजल हमारा जीएसटी के अंदर आ जाए। फिलहाल तो कोई अपडेट इसमें है नहीं ज़्यादा, पर हाँ पॉजिटिव यही है कि टैक्स बढ़ाया नहीं गया किसी चीज़ पे, इस चीज़ों से खुशी होती है थोड़ी सी, पर ये पर्याप्त नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ पे, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे कम किया गया है तो वो अपने इतना ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं। तो अगला न्यूज़ है दोस्तों जॉब के रिलेटेड। अब ये एनएलसी क्या है, अब ये बेहतरीन जॉब की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है। दरअसल नेवल में है ये हमारी नेवी की एक यूनिट है, इसमें भर्ती निकला है और ये है एनएलसी। अब इसमें क्या क्या है और कैसे आप कर पाएंगे, सबसे पहले तो इसका वेबसाइट पे जाके आप आवेदन करने के लिए इसका वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे, और कितना पद है, क्या है, कैसे, वो भी देख लेते हैं। आवेदन की लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है और आज तारीख है 17, तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। सबसे पहले कि आप जाएं इसके वेबसाइट पे nlcindia.in पे और पूरे नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ें, और फिर जाके आप अपनी योग्यता के हिसाब से अगर पात्र हैं तो अप्लाई करें। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया 30 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट, वैकेंसी का डिटेल्स के बारे में बात करें तो 233 पदों पर ये वैकेंसी आती है। अब इसमें पद के जितने भी डिटेल्स हैं सारे दिए गए हैं, मैं इस डिटेल्स पे आपको नहीं बोलूँगा, आप जाके नोटिफिकेशन पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं सिर्फ आपको जानकारी देते हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे नौकरी है, तो आप इस वेबसाइट पे जाएं दोस्तों और जाके ठीक से वेरीफाई कर लें, उसके बाद आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप उसमें अप्लाई करें। बढ़ते आगे, अगला न्यूज है सैमसंग लाया धांसू स्मार्टफोन, और ये 10,000 से कम का है, तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये क्या है, कौन सा फ़ोन है, गैलेक्सी M04, ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों, गैलेक्सी M04 सैमसंग की ब्रांड है। और अब इसमें क्या क्या फीचर है, क्या है, कितने में आता है, जैसे कि पैसा के बारे में, तो 9,499 रुपये का ये फ़ोन है, 95,000 रुपये का, और फीचर क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब इसमें बात करेंगे फीचर्स की, तो इसमें 5,000 mAh की आपको सबसे पहले बैटरी मिलती है, 8 GB तक रैम में आता है इसका, तो रैम भी काफ़ी अच्छा है, और 1 TB तक आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है, ये ही बहुत बड़ा स्टोरेज होता है दोस्तों, इसको आप बढ़ा सकते हैं।
और अगर स्क्रीन की बात करें तो 6.5 इंच का इसमें एक बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 मेगापिक्सल इतना ज़्यादा रहा नहीं, फिर भी सेल्फी कैमरा है दोस्तों ये। और मेमोरी की बात करें तो इसमें 4 GB 64 GB का एक अलग वेरियंट आएगा, जो कि 9400 रुपये में मिलेगा। उसके बाद 4 GB 128 GB का ये दूसरा वेरियंट है, जिसमें कि आपको 10,499 रुपये लगेगा। तो ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है और Samsung.com या Amazon पे भी जाके आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। 1,000 रुपये के आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड SBI का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये अच्छा सुविधा है आप लोगों के लिए, दोनों जगह से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे और ये एक अच्छा आप लोगों के लिए विकल्प है मिड रेंज के फ़ोन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए। नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में।